तादाद जहन्नुम के लेके चले जाएंगे। ठीक है, आगे आता है, फिर कहेंगे या अल्लाह जिनके लिए तेरा हुक्म हुआ है हम इन सब को दोजख से निकालना है। वो कहेंगे अल्लाह तूने जिस जिसका हुक्म दिया था, तो अल्लाह ही बताएगा किसको निकालना है, पहचानेंगे ये, लेकिन अल्लाह बोलेंगे इनको पहचानो और निकाल के लाओ, तो फिर सिफारिश क्यों? सिफारिश का मकसद अल्लाह की ही माफ़ी होंगी, तो फिर अल्लाह लोगों से क्यों करवाएंगा? अल्लाह लोगों के मुकामात बताने उनसे सिफारिश करवाने लगाएंगा, वरना अल्लाह के फैसले के बगैर किसी की सिफारिश भी नहीं होगी। अल्लाह सिफारिश लोगों से लोगों की इसलिए करवाएंगा कि इन जहन्नुमियों को इन जन्नतियों का मुकाम बताए, लेकिन सिफारिश उसी की करवाएंगा जिसको अल्लाह खुद तय कर चुका है माफ़ करना। ये बात याद रख लीजिए, तो आप समझेंगे को पीर फकीर वली तय करेगा किसको निकालना है, अल्लाह तय कर चुका है 50,000 को छोड़ना है, फिर उन लोगों को बोलेंगे तुम निकाल के लाओ ताकि इनका मुकाम इनको बताए, वरना माफ़ी तो अल्लाह ने दी है। ये बात याद रख लीजिए।